फैंस, अब मैं हूँ हवा महल के अपोजिट विंड व्यू कैफे में और यहाँ से हवा महल का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। सो द सम फैक्ट्स अबाउट हवा महल, इसमें 900 से भी ज़्यादा विंडोज हैं और इसे इसलिए बनाया गया था विमन ऑफ द रॉयल फैमिली स्ट्रीट फेस्टिवल को एंजॉय करें, देख सकें बिना उन्हें कोई देखे। And I also witnessed the beautiful night view of this iconic building. Jaipur is known for its heritage sites and Amer Fort is definitely one of the most popular fort in Jaipur. It's absolutely gorgeous aur yahan is fort mein bahut sari Bollywood movies ki shooting bhi ho chuki hai. Tickets, sports 200. पधारो मारे देश और ये है राजस्थान का वेलकमिंग कल्चर। सिटी पैलेस इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट इन द सिटी एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड ह्यूज। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का जार जो कि 350 केजी का है। And Instagram famous spot, the Pico Gate is also here. If you want to experience the Royal Buggy ride, you can enjoy here in the City Palace. जयपुर आए और आपने राजस्थानी थाली एक्सपीरियंस नहीं की तो क्या किया? Here it is my special Rajasthani thali. इस पूरी थाली में आपको दो तरह की गट्टा कड़ी, सिंपल कड़ी, राइस और दो तरह की बाटियाँ और दो तरह के चूरमे मिलते हैं और साथ में लहसुन की चटनी और मिर्ची के टिपोरे और साथ में है कॉम्प्लीमेंट्री लस्सी भी। लुक्स वेरी अमेजिंग। खाना शुरू करें। Wow, it's really very huge and majestic. Patrika Gate is popular for photography and my favorite spot for Instagram click. So quick history about Patrika Gate. Jaipur actually Vastu Shastra ke principle par banaya gaya hai. Ye pura shahar 7 gate wali ek diwar se ghira hua hai aur baad mein 2 aur gate add kar diye gaye and Patrika Gate is the 9th gate. फ्रेंड्स, अब मैं आगे हूँ जंतर मंतर और ये सिटी पैलेस के अपोजिट में है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं। सो बेसिकली ये 12 घंटे का क्लॉक है जो सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक का टाइम दिखाती है। Jaipur is famous for its handicraft and I got a chance to do it. लस्सी हो तो एमआई रोड पर लस्सी वाले की। किशनलाल अग्रवाल जी ने 1944 में शॉप को शुरू किया था और इनकी लस्सी की पॉपुलरिटी के चलते और भी आउटलेट्स खोल लिए हैं इन्होंने। इनकी लस्सी की खासियत है कुल्हड़ में आई है। कुल्हड़ में पीने से लस्सी का स्वाद और भी उम्दा हो जाता है और ट्रेडिशनल ड्रिंक को ट्रेडिशनल वे में ही पीना चाहिए। Rajasthan is famous for its royal heritage and Nahargarh fort is beautiful and it's best for sunset. According to me, Nahargarh is
one of the best place to witness a sunset in Jaipur. There are other places too, but this is the most famous sunset point in Jaipur. फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम और यहाँ पर आकर मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया कबूतर उड़ाना. इन कबूतरों के साथ मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया एंड आई फील हैप्पी. फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड बाय फ्रॉम जयपुर.